ग्वालियर में लोकायुक्त पुलिस ने एक पटवारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी अरविंद गोयल ने फरियादी से जमीन का नामांतरण करने के बदले रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत नहीं देने पर फरियादी की रजिस्ट्री कैंसिल कराने की धमकी दे रहा था। परेशान होकर फरियादी ने लोकायुक्त से शिकायत की थी। पुलिस ने मामले का सत्यापन कराया है, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। लोकायुक्त पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुरैना जिले के ग्राम नूराबाद निवासी सत्येंद्र सिंह गुर्जर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि खरीदे गए प्लाट के नामांतरण कराने के बदले पटवारी अरविंद गोयल रिश्वत की मांग कर रहा है, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत की जांच की। फरियादी ने जैसे ही रिश्वत के 10,000 रुपए पटवारी अरविंद गोयल को दिए, लोकायुक्त की पुलिस ने रंगे हाथों पटवारी अरविंद गोयल को गिरफ्तार कर लिया है। लोकायुक्त पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है।